हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लेट्स स्टडी विद क्रिएटिव आइडियाज। आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है हमारा यूनिट 2 चैप्टर 4 द बबल द स्ट्रॉ एंड द शू का एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक सॉल्यूशंस का एक्सरसाइज। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने वीडियो। रीडिंग इज फन। क्वेश्चन फर्स्ट, नेम द थ्री फ्रेंड्स। वो तीन दोस्त थे, आपको उनका नाम बताना है। द थ्री फ्रेंड्स आर द बबल, द स्ट्रॉ एंड द शू। उन तीन दोस्त का नाम क्या था? एक का नाम था बबल, एक का नाम था स्ट्रॉ और एक का नाम था शू। क्वेश्चन सेकेंड, वेयर डिड दे गो वन डे। वो एक दिन कहाँ गए? वन डे दे वेंट टू द फॉरेस्ट। वो कहाँ गए? वो गए जंगल में। क्वेश्चन थर्ड, वॉट डिड दे वेंट टू डू। उनको क्या करना था? दे वेंट टू क्रॉस द रिवर। उनको नदी को पार करना था। तो बच्चों, ये रीडिंग इज फन के हमारे थे तीन क्वेश्चन। ये करने के बाद हमारा रीडिंग इज फन होता है कंप्लीट। लेट्स टॉक, हाउ वुड यू मेक बबल्स। आप बबल किस तरीके से बना सकते हैं? वी कैन मेक बबल बाय ब्लोइंग द एयर विद द हॉलो स्ट्रॉ इन द वॉटर। हम पानी के अंदर खाली स्ट्रॉ को रख कर अगर उसमें हम हवा भरेंगे तो हम बबल्स यानी कि बुलबुलों को बना सकते हैं। वॉट डू यू वर ऑन योर फीट्स। आप अपने पैरों में क्या पहनते हैं? आई वर सॉक्स, शूज, स्लीपर्स, सैंडल्स एंड एक्सेट्राज ऑन माई फीट। मैं अपने पैरों में सॉक्स यानी कि जुराबें, शूज यानी कि जूते, स्लीपर्स यानी कि चप्पल, सैंडल्स एक्सेट्रा पहनता हूँ। हाउ वुड यू क्रॉस अ रिवर। आप एक नदी को किस तरीके से क्रॉस कर सकते हैं? आई वुड क्रॉस अ रिवर विद द हेल्प ऑफ अ बोट। मैं रिवर को एक बोट की मदद से क्रॉस कर सकता हूँ। लेट शेयर, पुट दिस डूइंग वर्ड इन टू दिस सेंटेंस। ये आपको यहाँ पे चार डूइंग वर्ड्स दिए हुए हैं, आपको इन सेंटेंसेस में इनको यूज करना है। फर्स्ट, द स्ट्रॉ himself dashed from one bank to another। जो स्ट्रॉ था उसने अपने आप को एक बैंक से दूसरी बैंक तक उसने क्या कर लिया था? उसने स्ट्रेच कर लिया था। तो फर्स्ट का आंसर है हमारा स्ट्रेच्ड। सेकेंड, द शू डैश ऑन द स्ट्रॉ। शू ने क्या किया स्ट्रॉ पर? उसने जंप किया था। तो यहाँ पे सेकेंड का आंसर आ जाएगा जंप्ड। थर्ड, द बबल डैश विद द लाफ्टर एंड डैश विद द बिग बैंग। द बबल डैश विद लाफ्टर। बबल क्या हुआ? हंसने लगा, शुक विद लाफ्टर। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा थ्री, शुक हो जाएगा हमारा थ्री। एंड डैश विद द बिग बैंग, और एक बहुत धमाके की आवाज से क्या हुआ? फट गया यानी कि ब्रस्ट हो गया। तो जंप्ड हमारे सेकेंड का आंसर है, स्ट्रेच हमारे फर्स्ट का आंसर है, शुक हमारे थर्ड के फर्स्ट वाले का आंसर है, और ब्रेस्ट हमारे थर्ड के सेकेंड वाले गैप का आंसर है। लेट्स ड्रॉ, ट्रेस द जर्नी ऑफ द टैडपोल। यानी कि आपको क्या करना है? जो टैडपोल है उसकी जर्नी को ट्रेस करना है। टैडपोल कौन होता है? जो फ्रॉग का बच्चा होता है वो होता है हमारा टैडपोल। तो आपको जो डॉट्स दिए गए हैं, इसी डॉट्स के ऊपर आपको इस तरीके से इसको ट्रेस आउट करके इसको पूरा यहाँ तक आपको लेके जाना है। पूरा इस तरीके से आपको इसको ट्रेस करना है। ड्रॉ दी बबल्स, आपको इन बबल्स को ड्रॉ करना है, ट्रेस करना है और से करना है ये जो आपको लेटर्स दिए गए हैं। जैसे आप यहाँ पे ए दिया गया तो आप ए को ट्रेस करेंगे और बोलेंगे ए, सी को ट्रेस करेंगे बोलेंगे सी, बी को ट्रेस करेंगे और बोलेंगे बी। मैच द बॉल विद देयर नंबर्स। यहाँ पे आपको बॉल्स दी गई हैं और यहाँ पे साइड में आपको नंबर्स दिए गए हैं, तो आपको बॉल्स को काउंट करना है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7, जैसे आपको यहाँ पे 7 बॉल्स हो गई हैं आपके पास सेल लाइन पे, तब यहाँ जाएंगे और 7 पे आपको इसको मैच कर देना है। जिस तरीके से मैंने आपको मैच करके दिखाया है उस तरीके से आप सारे काउंट करेंगे और यहाँ पे जो है नंबर्स दिए गए हैं आप उनको देख के से मैच करेंगे। थिंक टाइम, लुक एट दिस ऑब्जेक्ट। आपको इन सारी चीज़ों को
देखना है. पुट दैम इन टू अ टब ऑफ अ वॉटर, आपको एक टब में पानी लेना है और इनको इन सब चीज़ों में डालना है. यू से वन विल बी फ्लोट एंड विच वन शिंक, आपको बताना है कौन सा तैरेगा और कौन सा डूब जाएगा. तो बच्चों पहली चीज़ पानी में वही चीज़ तैरती है जो कि हल्की होती है और भारी चीज़ डूब जाती है. जो डूब जाएगी हम उनका नाम देख लेते हैं. जैसे कि मार्बल भारी है, वो हमारा डूब जाएगा. लीफ नहीं डूबेगा क्योंकि वो हल्का है. स्टोन भारी है, डूब जाएगा. स्टिक भारी होती है, डूब जाएगी. पेपर लाइट वेट होता है इसलिए फ्लोट करेगा. स्ट्रॉ लाइट वेट है, फ्लोट करेगा. शू हैवी है, डूब जाएगा. स्पून हैवी होता है, डूब जाएगा. यानी कि आपके जिन पे सर्कल्स लगे हैं वो हमारे हैवी होते हैं और वो डूब जाएंगे. ड्रॉ दी वेल, आपको जो यहाँ पे इस तरीके से आपको डॉटेड लाइन दिए हुई हैं, आपको उस तरीके से इसको पूरा इस तरीके से ट्रेस आउट करके आपको ड्रॉ करना है. कलर इट, कलर करना है इनमें. एंड से द राइम लाउडली, और यहाँ पे आपको जो राइम्स दी गई हैं यहाँ पे आपको उसको बहुत ज़ोरों से पढ़ना है. अ बेल फेल इन द बेल, डिंग डोंग बेल. इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज होती है कंप्लीट. अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करें. थैंक यू.